you <music> दर्शकों, आज आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम मंजिल में जी मंजिल कार्यक्रम में हमें आपके साथ मैं हूं अंजना और मेरे साथ है दामिनी और दामिनी जैसे कि टाइटल ही आज बता रहा है कि खेल खेल में अवसर तो बचपन में क्या होता था कि हम बैग छोड़ते थे और सिर्फ खेलने जाते थे और उससे क्या होता तो था कि शारीरिक और मानसिक ग्रोथ सबकी होती थी लेकिन आज के समय की जब हम बात करते हैं तो काफी स्कोप हमें नजर आते हैं स्पोर्ट्स में खास जी हम आजकल देखे तो जो बच्चे हैं आजकल की यूथ है वो सिर्फ स्पोर्ट्स को एज ए हॉबी ही नहीं ले रही है बल्कि एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी आगे लेके जा रहे हैं हाँ जी।, जी और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अच्छा मार्गदर्शन मिले और आ, स्पोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आ, किसी का अगर स्पोर्ट रहता है और सही मायने में सही गाइडेंस होती है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं तो ये गाइडेंस आज हम लेंगे हमारे साथ है जो एक्सपर्ट है उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं डॉक्टर संजय शर्मा जी जो कि विभागाध्यक्ष है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एच शिमला से सर बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद सबसे पहले तो हम करियर की बात करेंगे इससे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पोर्ट्स की चाहे हम यूथ कहे चाहे सभी के जीवन में एक खेलों का जो महत्व रहता है उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न और मंजिल कार्यक्रम में आज ने आप इस विचार को साझा करने के लिए मुझे मौका भी दिया है तो हम कहते हैं कि एक पुरानी कहावत भी थी खेलोगे कूदोगे होगी खराब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब तो ये विषय लेकिन अब लगता है वो पूरा विषय 90 डिग्री 360 डिग्री पे मुझे लगता है वो चेंज हो गया है आज देखेंगे अब जो हाँ और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है तो हम शरीर शारीरिक तौर तो पर अगर स्वस्थ होंगे तभी हम बाकी नित्य कर्म में पढ़ाई में बाकी जो भी हमारे अगले कैरियर्स होते हैं जीवन में जी, आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर तो पर स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्यक्ति के जीवन में और आजकल की जो मैकेज्ड वर्ल्ड है जहाँ हम एक जो गाड़ी में सारा सफर व्यक्ति मशीन के ऊपर निर्भर हो गया तो उसमें और भी खेलों का और शारीरिक शिक्षा का फिजिकल्यूशन का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया तो ये निश्चित तौर पर अच्छा विषय आपने चुना भी और इसके माध्यम से जानकारी साझा होगी उससे जो हमारे आज के दर्शक हैं उनको भी काफी लाभ मुझे लगता है हो, पाएगा आज की इसकी चर्चा से जी बिल्कुल जी डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जी स्पोर्ट्स है खेल है आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण है जीवन में जी। तो डॉक्टर साहब मेरा प्रश्न आपसे है कि हम देखते हैं बहुत ऐसे एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है ऐसे कई खेल है जहाँ पे बच्चे अठारह से उन्नीस साल की उम्र में जो है नेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि अभी बहुत देरी हो गई है कि हम कैसे अब स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या सही उम्र है कि इन बच्चे को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और क्या सही एज है कि किसी को इस स्पोर्ट्स को चुनना चाहिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ये ये मतलब मूल प्रश्न है आज की चर्चा का भी जी। और वास्तव में एक थोड़ा बहुत सी ज्यादा मिसकनसेप्शन मिस्कर्ष, भी है गलत फहमिया भी जी, कि 18-19 वर्ष में अगर कोई व्यक्ति देश को या अपने प्रदेश को या राष्ट्र को किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में करेगा तो निश्चित तौर पर वो ठीक उम्र नहीं है और ये जो प्रश्न है वास्तव में किस उम्र में ये, तो ये एक हम बहुत बड़ा आपको अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि हम बहुत लेट हमारे देश की बात करेंगे हम बड़ा लेट स्टार्ट करते हैं किसी खेलों में तो जो आपने कहा प्रश्न जो पूछा वास्तव में उम्र करेंगे तो सही जो उम्र की हम जो बात करते हैं लगभग नौ दस वर्ष की जो उम्र है वो एग्जैक्ट उम्र है कि उस समय में विद्यार्थी को या कुछ युवा को या बच्चे को उस खेल में प्रति उसको सिलेक्ट करें टैलेंट आइडेंटिफाई करें और उसके बाद फिर उसको उसको रेगर, रेगुलर हम करते हैं नियमित ट्रेनिंग कराएंगे तब जाके वो सोलह सत्रह वर्ष में एक निपुण खिलाड़ी बन सकता है और हम जी, कहेंगे कि अठारह पंद्रह अठारह के बाद करेंगे तो अठारह उम्र में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल ओलंपियन कई रिटायर भी हो जाते हैं मेडल जीत के बहुत अठारह सात आठ आठ तो थोड़ा शुरू करें और दस ग्यारह वर्ष में हम तो ना यही ना एक रहती है क्योंकि सभी को पहले टेंशन रहती है कि पहले पढ़ाई की जाए उसके बाद खेलों के बारे में सोचेंगे लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम कैसे इसे कॉम्बिनेशन के साथ इसे करें इसके भी बारे में आप एक जागरूक करें कि किस तरह घर पे ही आप ट्रेंड हो सकते हैं या आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी किस तरह का प्रोसेस रहता है अगर आप सात आठ की उम्र में अगर आप सोचना चाहते हैं तो ये मतलब जो आप करें दो तरह के प्रश्न आपने पूछे हैं एक तो घर से व्यक्ति कैसे निपुण हो सकता है या ट्रेनिंग ले सकता है तो मुझे लगता है घर में तो वही व्यक्ति ले सकता है या तो उसके फादर कोई नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के कोच होगा आम विद्यार्थी को आम बच्चे को ऐसी सुविधा मुझे लगता है नहीं है तो वो तो बड़ा एक एक्सट्रीम एक वन परसेंट जीरो लेवल पर हम सोच सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आप अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का कोई खिलाड़ी तैयार करना है तो निश्चित तौर पर उसमें किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कोई स्पोर्ट्स होस्टल में कोई अच्छे प्राइवेट एकेडमी में डालना पड़ेगा तब जाके उस विद्यार्थी को हम उस लेवल तक पहुंचता हुआ देख सकते हैं अन्यथा घर पे तो नहीं है वो ठीक है फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए तो घर पे ट्रेनिंग कर सकता है लेकिन जी, जी, घर में संभव नहीं है मैंने कहा वन पॉइंट किसी का कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है अन्यथा उसको किसी एक अच्छे गुरु में एक प्रशिक्षक के एक टीचर के एक कोच के नाते उसके उसके संरक्षण में उसकी परिवर्शि होगी तब जाके वो अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा परफॉर्मेंस अपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देख सकते बिल्कुल हर करियर के लिए एक मार्ग

पोस्ट सोशल में जो सिलेक्शन है लगभग पांचवीं छठी में जब विद्यार्थी होता है तो हम 10 ग्यारहवीं दस ग्यारह साल का जो विद्यार्थी है तो 11 से 18 इयर्स के बीच में 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच में विद्यार्थी का चयन वहां होता है जी, जी, उसके साथ जो साथ में राइडर लगाते हैं उसकी हाइट और वेट के संदर्भ में साथ में वो राइडर रहता है और वो वो गेम स्पेसिफिक भी रहता है कि वॉलीबॉल है बास्केटबॉल तो ऊंची कद के खिलाड़ी वहां हाँ, चाहिए जी, होते हैं जब रेसलिंग है छोटे उसमें छोटे खिलाड़ी भी चल सकते हैं तो उस नाते से हर गेम का अपना अपना पैरामीटर्स होता है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है तो एक तो विषय रहता है एक एज का पैरामीटर होगा

तो 11, 18 या 19 वर्ष में वो विद्यार्थी जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलेगा देश का प्रतिनिधित्व करेगा तो उसकी हाइट क्या होगी उसकी लिम लेंथ क्या होगी उसकी बोन लेंथ क्या होगी वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट तो वास्तव में उसकी मसल फाइबर स्ट्रेंथ क्या होगी तो वो चीजें नहीं रहती लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में कहेंगे तो थोड़ा सा फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन माने स्लो टिच मसल फाइबर जो थोड़ा साइंटिफिक विषय है और फास्ट फास्ट रिच मसल फाइबर तो जो एक्टिविटी हम तुरंत करते हैं उसमें फास्ट टिच मसल फाइबर का रोल रहता है और जो हम लंबे ड्रेस अवधि तक करते हैं उसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर का तो ऐसा जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं कोई बायोप्सी लेते हैं उसके बेसिस पे वो फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो वैसी लेटेस्ट टेक्निक्स होनी चाहिए अब करने इंडिया में भी साई है स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया पटियाला ये चीज़ें शुरू हुई हैं लेकिन स्टेट लेवल पर अगर इनका और समावेश होगा इनको हम लागू करेंगे तो अच्छे खिलाड़ियों को हम चयनित कर पाएंगे और फिर अच्छे रिजल्ट हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख पाएंगे तो मुझे लगता है ऐसा भी थोड़ा इसमें जो नए लेटेस्ट ट्रेंड है उसके बारे में विचार आपसे साझा जी, आप जी, जी डॉक्टर संजय जैसे आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही जुड़े हैं तो अब यही जानना चाहते हैं कि अगर एजुकेशन के तौर पर ही बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहता है तो कब से क्या उसकी स्टार्टिंग रहती है प्लस टू में क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं फिर ग्रेजुएशन इसके बारे में ये जो प्रोसेस रहता है इसके बारे में बताइए अब शिक्षा क्षेत्र जो आपने प्रश्न रखा है तो मतलब वो टीचिंग प्रोफेशन को मैं जो समझ पाया हूँ आपके प्रश्न से कि टीचिंग को प्रोफेशन के तौर पर वो अडॉप्ट करना एजुकेशन की इंपॉर्टेंस अगर हम बात बात करें कि स्पोर्ट्स के साथ स्पोर्ट्स के जी, साथ जी, बहुत जी, अच्छा जी, है जी, तो जो कुछ कोर्सेज है हम कहते हैं जो एजुकेशन क्षेत्र में लेके जाते हैं और कुछ कोर्सेज प्रोफेशनल साइड में भी लेके जाते हैं तो हम कहते हैं प्लस टू में हम करते हैं तो प्लस टू के बाद आप ग्रेजुएशन में जो कॉलेज में बच्चा जाता है तो बीपीई करके कोर्स होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन दैट इज अ थ्री ईयर बीपीएस भी उसको

बीपीएड बीपीई के बाद बीपीएड पी एड टू ईयो एन सी के अंडर मापदंड के अंदर एफिलेटेड बॉडी के साथ रेगुलेशन के संदर्भ से वो कोर्स रेगुलेट करते हैं और यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस उन कोर्सेज को चलाते हैं तो उसके बाद बी करने के बाद विद्यार्थी अपने स्कूल में पी टी इस नाते से लगता है और कई जगह पी भी फिजिकल एजुकेशन के नाते वो कर रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है वो एम जिसने बी बीपीएस की होगी वो एमपीएस में डायरेक्ट जा सकता है वो यूनिवर्सिटी में कोर्स चलता है एक एनसीटी के अंडर गाइड जो प्रोफेशनल कोर्स है उसको एमपीएड कहते हैं वो भी टू ईयर्स का कोर्स चलता है उसके बाद वो कॉलेज में

कि विद्यार्थियों को या खिलाड़ियों को क्या खिलाना चाहिए तो हमारे इसमें चल रहा है कि कोई खिलाड़ी है तो उसको घी खिला दीजिए या उसको बादाम खिला दीजिए तो उस तरह का सिस्टम है लेकिन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का एक बहुत सिस्टम है इवेंट स्पेसिफिक डाइट एक व्यक्ति को देनी पड़ती है तब जाके एक्सेल करता है तो इस तरह के और भी अनेकों कोर्स हैं लेकिन उस ये तो क्योंकि मुझे लगता है उसी चर्चा जाएंगे तो चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैंने आपके प्रश्न के संदर्भ में थोड़ा ऐसा कोर्सिस का उल्लेख आपके समक्ष किया है जी सर डॉक्टर साहब अगर हम बात करें जैसे टीचिंग में जाना है किसी को कोच लगते हैं स्पोर्ट्स टीचर है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है कुछ एक्सपीरियंस चाहिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए क्या उनको डिग्री चाहिए क्या डिप्लोमा चाहिए कितना मतलब टाइम बाद जो है एक स्पोर्ट्स कोच के तौर पर हम कुछ ले सकते हैं उन्हें ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि जनरली आम व्यक्ति टीचर और कोच में भी अंतर नहीं समझ पाता है वो टीचर कोई डीपी पी कोई कोच बोलता है कोच कोई डीपी बोलता है तो वास्तव में जो जो कोर्सेज मैंने डी पी, पी किया हो सकता है उन्होंने वो कोर्स कोचिंग का किया हो लेकिन कोच अपने आप में एक लग स्पेसिफाइड उसका करिकुलम रहता है और कोचिज का जो विषय है हम उसमें भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली स्पोर्ट्स ट्रेनर्स के तौर पर जो हम कहते हैं कोचिज हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर अंतर्गत पटियाला ओल्ड मोतीवाग जो हमारा पटियाला में एक जगह है वहां पे है नेशनल नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स करके एक कॉलेज चलता है इंस्टीट्यूट चलता है प्रीमियर इंस्टीट्यूट है और पूरे एशिया के लोग वहां ट्रेनिंग कोचेज के लिए आते हैं तो उसके चार सेंटर्स हैं एक सेंटर है उसका गांधीनगर वेस्टर्न सेंटर ईस्टर्न सेंटर उनका गुवाहाटी है और अपना जो साउदर्न सेंटर है वो पटियाला है और जो नॉर्दर्न सेंटर है वो बेंगलोर में है तो चार सेंटर्स चलते हैं तो उसमें जो बेसिकली ये तो सबसे लेवल एक तो जिसने इंटरनेशनल लेवल पे विद्यार्थी खेला होगा तो उसको तो कोई खेल ने पढ़ाई की तो नहीं मिनिमम चाहिए और उसके साथ वो एडमिशन ले सकता है उसको ओलंपिक्स में मेडल हो या पार्टिसिपेशन हो तो सिंपल जाता है उसके बाद जिसने एमपीएड या बीपीएड किया होगा उसको एक नेशनल मास्टर डिग्री चाहिए बीपीएड तो किया होगा तो उसको तीन सीनियर नेशनल या तीन यूनिवर्सिटीज खेला होगा और फोर्टी फाइव ईयर उसकी मैक्सिमम एज है उस निचले निचलेवल से 25 से उसके 18 और कैटेगरी वाइज थोड़ा पांच साल का रिलेक्शन देते हैं तो हम 25 से 45 वर्ष की आयु में वहां पर एडमिशन ले सकता है वो वन ईयर का डिप्लोमा कोर्स है उस अगर वो कर लेता उसके बाद मास्टर इन स्पोर्ट्स कोचिंग का कोर्स होता है तो वो टू ईयर कोर्स है वो भी पटियाला लेकिन टूर वन ईयर जो कोर्स है वो चार सेंटर्स में होता है जो टू ईयर कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ केवल पटियाला में ही होता है उसमें एक्सेल मास्टर्स करते हैं तो उस नाते से वो दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो जो पटियाला में चलते हैं और इसमें अच्छे से व्यक्ति करता है तो नेचुरली वो सारे ट्रेनिंग के जो पैरामीटर्स पैरामीटर अलग अलग तौर पर वो दक्ष होता है और जब आता है तो देश में साई में स्टेट गवर्नमेंट्स में वो के तौर पर अपॉइंट हो सकता जी, है जी आ, हम अगर हिमाचल की खास तौर पर बात करें क्योंकि बहुत यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है बच्चे यूथ की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स में अच्छे निकल सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स को वो हॉबी के तौर पर तो ले लेते हैं लेकिन करियर ऑप्शन के तौर पर बहुत कम आगे जा पाते हैं तो कैसे हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं या फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि वो आ, किस तरह स्पोर्ट्स में ही आगे बढ़ सकते हैं हिमाचल में किस तरह की स्कोप है और कहाँ कहाँ बिल्कुल, वो जा सकते? बिल्कुल। एक मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश अभी भी थोड़ा सा बैक ट्रैक में है इस जानकारी में क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट प्रयास तो कर रही है लेकिन उसमें समाज का भी परिपेक्ष आना चाहिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है वहां भी कुछ थोड़ा सा जागरूकता के अभियान के तौर पर इस विषय को लेना पड़ेगा मैं उदाहरण के तौर पर कहता है हमारे यहाँ से इंडिया टीम में सुषमा जी हैं रामपुर से जो है वो इंडिया टीम के विकेट कीपर हैं वो ब्रांड एम्बेसडर भी बीसीआई को घोषित किया है तो ऐसे विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में स्कूल में लाना चाहिए हमारे तो उस नाते से कविता जी कबड्डी में इंटरनेशनल दीपक ठाकुर जी हमारे ऐसे लोगों को एक इंस्टीट्यूशन का ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हम लाएंगे उनकी टॉक करेंगे उनको सम्मानित करेंगे तो उससे मुझे लगता है और जागरूकता की उनको जाएं वो अपना विषय वहां से साझा करें अपने अनुभव साझा करें कैसे कैसे मुश्किलों से आए और आज इस तक पहुंचे हैं तो ऐसे कुछ अभियान लेने पड़ेंगे कुछ टॉक्स लेने पड़ेंगे कुछ उनके उनको स, उनके सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने में ताकि लोगों को लगेगा कि वास्तव में शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी काफी अवसर आने इस अब वर्तमान परिप्रक्ष में युवाओं के लिए है लेकिन थोड़ा सा जानकारी के अभाव के कारण हम थोड़ा पीछे रहते तो जो विषय मैंने कहा ऐसे जागरूकता के अभियान अभियान लेंगे सेमिनार करेंगे टॉक करेंगे उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर स्थापित करेंगे अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर जानकारी आगे बढ़ेगी और खेल

सरकारी स्कूलों में तो विद्यार्थी आते हैं लेकिन एक जो विषय इसमें दोनों दोनों विषय जोड़ के मैं बताता हूं क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्टल में विद्यार्थी पढ़ता है उसके लिए गवर्नमेंट की प्री कंडीशन है कि वो गवर्नमेंट स्कूल उसके साथ जो एसोसिएटेड होगा वहां उसको दाखिला लेना पड़ेगा तो आपका प्रश्न तो एक तो ठीक है कि सरकारी विद्यार्थियों के लिए तो ठीक हो गया लेकिन प्राइवेट विद्यार्थी आएगा वो अच्छी शिक्षण संस्थान में तो पढ़ रहा है अपने हिसाब से ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में शिक्षा अच्छी नहीं है अभी तो कॉन्वेंट एजुकेशन प्राइवेट स्कूल अभी आए पहले तो सारे लोग गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ते थे तो लेकिन वो वहाँ छोड़ेगा नहीं और वहाँ वो उस हॉस्टल में आएगा तो वो कंडीशन एक बैरियर है लेकिन वैसा भी नहीं है गवर्नमेंट ने कुछ और विषय भी किया है वो ठीक है वहां तक आएगा वो वहां पढ़ेगा तो ठीक है अगर नहीं पढ़ता तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जैसे साई ट्रेनिंग एस बोलते हैं साई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं तो साई ट्रेनिंग सेंटर कोई अच्छा स्कूल है तो उसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक प्रोग्राम स्कीम है कि उस स्कूल में जो विद्यार्थियों को ट्रेनिंग है तो साई उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी लगभग दस लाख की ग्रांट देगी कोच स्पेसिफिक देगा ट्रेंड कोच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगा उसको पे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया करेगी बच्चों को हॉस्टल के तौर पर प्राइवेट स्कूल अपने इसमें रखे ट्रेनिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोचिंग फैसिलिटीज और सारा जो वातावरण है वो साई स्पोर्ट्स तो इस नाते से भी आप जो कह रहे हैं तो जो वहां वंचित है वो ऐसे ऐसे सेंटर्स के लिए अप्लाई कर सकती है और बशर्ते कि वहां से अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हों बडिंग स्पोर्ट्स और उसमें कैटरिंग जो आसपास के क्षेत्र के लोग भी हैं वो भी अब दिन में हॉस्टल के तौर पर ना से दिन में भी वो ट्रेनिंग के तौर पर सकते तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए भी ऐसे भी गवर्नमेंट ने ये एक थोड़ा प्रावधान किया जी, है जी, और हिमाचल में अगर स्पोर्ट्स से कोई जुड़ना चाहता है तो कहाँ कहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है कहाँ कहाँ एकेडमीज़ है तो क्या उसका प्रोसेस है उसके बारे में बताएं जी बहुत अच्छे ये जो पॉइंट है कि थोड़ा इसमें भी दो तीन विषय हैं मैं करूं एक तो केंद्र सरकार जो से जो अनुदान प्रदान प्रदान संस्थान है एक वो विषय जैसे हम कहें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो सबसे पहले क्योंकि नंबर वन पे वो आते हैं तो उसमें पैसे की भी थोड़ी कमी रहती है कि प्रदेश में थोड़ा फाइनेंशियल कंस्टेट भी रहते हैं तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हॉस्टल बिलासपुर में है बिलासपुर में कबड्डी है वॉलीबॉल है अपने बॉक्सिंग ये गेम्स बिलासपुर में तीन चलते हैं और उसके साथ बॉयज के लिए स्पेसिफिकली हम हमीरपुर में जाएंगे और हिमाचल हमीरपुर के लिए भी बड़ा अच्छा विषय अनुराग जी हमारे खेल मंत्री हैं तो उनके कारण एनसीओ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेल में जो देश में अलग अलग स्टेट में दिए गए हैं चुनंदा दिए गए स्पोर्ट्स के स्तर को बढ़ाने के लिए तो हमीरपुर में दिए गए एथलेटिक्स का सेंटर वहां है बैडमिंटन वहां चल रहा है कबड्डी वहां चल रहा है तो ये हमीरपुर हो गया तीसरा धर्मशाला चलता है धर्मशाला में को है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए चल रहा है तो वहां वॉलीबॉल है एथलेटिक्स है बास्केटबॉल है अभी बैडमिंटन वहां है टीटी वहां है तो ये तीन सेंटर साई चल रहे हैं उसके साथ जो मैंने प्राइवेट जो कहा रेनवो एक नगरोटा अपने कांगड़ा और धर्मशाला के बीच में एक स्टेशन है तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल है वहां साई ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट स्कूल में चल रहे हैं जो दावि जब भी कह रहे थे तो वो उन्होंने अप्लाई किया और सरकार उनको दे रही है तो ये तो बात होगी केंद्र सरकार के जो साई के सिस्टम वैसे हिमाचल की बात करेंगे हिमाचल के जो हॉस्टल चलते हैं वो यूथ डिपार्टमेंट के अंडर चलते हैं तो उसकी बात करेंगे मतयाना में वॉलीबॉल का है हॉस्टल है हम जाएंगे सुंदरनगर में कबड्डी का हॉस्टल है अपने सॉरी हॉकी का हॉस्टल है हम इधर चले जाएंगे पौंटा में वहाँ इस अपने हॉकी का हॉस्टल है परोड़ा चले जाएंगे वहां बास्केटबॉल का हॉस्टल है तो ये अपने जो सिस्टम है तो ये कबड्डी जो बिलासपुर स्पोर्ट्स जो लूडो के साथ अच्छा बहुत सुंदर और गोविंद सागर के साथ हमारा स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हॉस्टल है वहां हैंडबॉल का हॉस्टल है वहां कबड्डी का हॉस्टल है वहाँ एथलेटिक्स का हॉस्टल है तो ये जी, स्टेट जी, के हॉस्टल्स हैं इसके साथ हम करेंगे प्राइवेट सिस्टम है लोग ये हिमाचल के लिए भी अच्छा है कि प्राइवेट अपने लोगों ने फैन प्राइवेट अकेडमी चलाई है मोरसिंगी में हमारी लड़की यही हमारे डिपार्टमेंट से पढ़ के गई है हैंडबॉल में मैंने

डॉक्टर साहब अब हम बात करते हैं जैसे खेलों की अब हम हिमाचल में अगर अहम खेलों की बात करें रीजन वाइज बात करें तो हिमाचल में ऐसे कौन से अहम खेल है और किस किस रीजन पे वो ज़्यादा विख्यात है या ज़्यादा खेले जाते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मतलब उन्हीं खेलों के लिए हिमाचल ज़्यादा जा स्कोपा हो सकता है बहुत अच्छा है। ये भी हिमाचल की भी सुंदरता है जैसे हम किन्नौर की तरफ जाएंगे तो लल परिवेश है लाहौल की तरफ जाएंगे लग परिवेश है, लग तर तर लग परिवेश है। अपने से, से रहन सहन में तो उसी तरह से रहन सहन के साथ साथ कुछ खेलें भी उस उस टेरिटरी के साथ उस जोग्राफिकल रीजन के साथ जुड़े हैं हम शिमला की बात करेंगे हम रोडो रामपुर या फिर ठ्यो की तरफ आएंगे तो वहां वॉलीबॉल का जो खेल है वो ज्यादा फेमस है अब नेरवा की तरफ चले जाएंगे उसके साथ कुप्पी सिरमौर राजगढ़ की तरफ चले जाएंगे तो वहां कबड्डी का खेल जो वो ज्यादा फेमस है हम इधर सरका

सबसे जो इंपॉर्टेंट हम देखते हैं तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हम कहते हैं ब्रेन और मसल्स जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट और रोल uh, प्ले करता है उसके साथ हाइट की हम बात करके तो हाइट के साथ ये चीज़ें न्यूरोमस्कुलर साथ चीज़ें साथ चलती हैं उसके साथ पांच फिजिकल फिटनेस के पांच कॉम्पोनेंट्स हम कहते हैं स्पीड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन ये पांच होंगे तो निश्चित अच्छा हो सकता है जी। तो ये बड़े डॉक्टर देने देने है। है साहब अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट्स में हम न्यूज सुनते हैं जो स्पोर्ट्स के पर्सन है जो कर रहे हैं उनको स्ट्रेस हो जाता है कुछ डिप्रेशन में जा रहे हैं क्या है? तो मेंटल फिटनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है जी फिजिकल फिटनेस जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी मेंटल फिटनेस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंटली अगर विद्यार्थी स्ट्रांग नहीं होगा खिलाड़ी होगा ठीक है अपने घर में तो अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे वो प्रेशर जाता है तो वहां पीर प्रेशर होता है कोचिज का जी, प्रेशर जी, होता, जी, होता है ओपोनेंट टीम का प्रेशर होता है विनर टीम का प्रेशर होता है स्पेक्टेटर का प्रेशर होता है तो साइकोलॉजिकली जो हम कहते हैं साइकोलॉजिकल जो फिटनेस है विद्यार्थी की जिसको हम मोटे तौर पर कहेंगे तो मेंटल फिटनेस वो निश्चित तौर पर खिलाड़ी के योगदान में उसकी परफॉर्म में इसको जितनी फिजिकल फिटनेस अपनी अफेक्ट करती है उतनी मेंटल फिटनेस में भी विद्यार्थी के ऊपर हमको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर भी उतना ही ध्यान देना पड़ता है जितना कि फिजिकल फिटनेस के तौर पर तब जाके एक खिलाड़ी अच्छा एक आ, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस खासतौर पर हिमाचल के यूथ को आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह वो स्पोर्ट्स से जुड़े ताकि वो हिमाचल को रिप्रेजेंट करे खासतौर पर साथ ही साथ आगे बढ़कर देश को भी आगे रिप्रेजेंट करे और अंजना जी बहुत अच्छा ये आप कह रहे हैं मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं लोगों के माइंड में जो एक बैरियर है एक ब्लॉक है मेंटल ब्लॉक उसको तोड़िए निश्चित तौर पर खेल में आज अथा अवसर हैं आप आएंगे आप कबड्डी में देखेंगे पैसा फ्लो हो रहा है इसमें आप प्रोफेशनल सिस्टम के जाइए और आप ये मत दीजिए कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स के सिस्टम के तौर पर सा... उसके साथ अनिल कुंबले की बात करेंगे तो वो प्रोफेशनल इंजीनियर डॉक्टर्स की हम बात करते हैं तो आप जुड़िए आप इसको पूरे दोनों हाथ के साथ ग्रैप करिए स्वस्थ रहिए फिट रहिए और अच्छे तौर पर आएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें अथा अफसरों को आप ग्रैप करिए बिल्कुल दामिनी अब यही कहना चाहते हैं कि स्कोप बहुत ज्यादा है तो आप जुड़िए आगे बढ़िए और अपनी एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स से जुड़िए ताकि आप इसे करियर के तौर पर चुके सके बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी जी। तो आज के मंजिल कार्यक्रम में इतना ही आपसे फिर नए विषय के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार